in the city of sounds. The sound would make you feel of heaven. Buzz FM, Absolute Radio. Once again, welcome back. आप सुन रहे हैं बज FM. मुझे बिलाल कहते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आज इखलाक साहब. और थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए खसूसी टाइम निकाला. और आप लोगों को हम आज स्टडी वीज़ा के हवाले से आगाह कर रहे हैं और वर्क वीज़ा के बारे में भी हम आपको जो है वो बताएंगे. तो बहुत शुक्रिया, सवालों के जवाब दे रहे हैं. और अगला जो मेरा क्वेश्चन है जो मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूं कि सपोज डिपेंडेंट वीज़ा जो होता है वो क्या होता है और इसकी शराइत जो है वो क्या होती हैं. देखिए, जो स्पाउस वीज़ा होता है या डिपेंडेंट वीज़ा को हम बोलते हैं, जी जी. उसमें होता है कि मेन एप्लीकेंट हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो सकता है. ठीक है. अगर सपोज करते हैं कि एक क्लाइंट आता है और वो मैरिड है, तो अगर वो स्पाउस वीज़ा डिपेंडेंट वीज़ा का की डिमांड करता है, उसका मतलब ये होता है कि मेन एप्लीकेंट तो स्टडी वीज़ा पे जा रहा है, वो स्टडी वीज़ा की फैसिलिटी अवेल कर रहा है, लेकिन जो उसका साथ हस्बैंड है या उसकी जो वाइफ है, तो वो उस जो उसके हस्बैंड या वाइफ का जो वीज़ा लग रहा है स्टडी वीज़ा, वो उसकी बेस पर आगे जा रहा है. ठीक है. ठीक है, तो इसको हम डिपेंडेंट या स्पाउस वीज़ा बोलते हैं. मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक लेडी है और वो मैरिड है, तो उसकी क्वालिफिकेशन है 16 इयर्स एजुकेशन है और वो मूव करती है कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या यूके स्टडी वीज़ा के लिए. तो जो उसके हस्बैंड हैं वो अपनी उस मिसिज के स्टडी वीज़ा की बेस पर मिसिज के साथ मूव कर सकते हैं. क्या बात है. इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वीज़ा या फिर स्पाउस वीज़ा. जी ठीक है सर. अभी हम बात करते हैं वर्क वीज़ा की. सॉरी, मैं इसकी और थोड़ा ऐड कर देता हूँ. जी, जी, अब जो स्पॉन्स वीज़ा होता है ना, इसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं. ठीक है. अब हर कोई ये नहीं कि एक लेडी है उसने इंटरमीडिएट किया हुआ है और वो स्टडी वीज़ा पर जाकर अपने हस्बैंड को साथ लेकर जा सकती है. नहीं, इसकी लिमिटेशन होती है, इसकी कुछ कंडीशन होती हैं. जो सबसे मेन ये होती है कि जो चाहे वो हस्बैंड है चाहे वाइफ है, व्हाट्सएवर जो भी हैं. ठीक है. तो हम बात क्लाइंट की करते हैं. ठीक है. इसके लिए क्लाइंट की कम से कम क्वालिफिकेशन 16 इयर्स होनी चाहिए. कितनी होनी चाहिए? 16 इयर्स, मतलब 16 पढ़ा होना चाहिए. वो एमएससी हो, एमए हो, किसी भी सब्जेक्ट में. तो इसके लिए मेन होती है वो कंडीशन ये होती है. ठीक है. बाकी जो साथ अगर मेन एप्लीकेंट मिसिज हैं, वाइफ हैं, तो जो हस्बैंड हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन का होना मैटर नहीं करता, चाहे वो अंडर मैट्रिक हैं, मैट्रिक हैं, व्हाट्सएप जो भी क्वालिफिकेशन है, तो उनका ये मैटर नहीं करता उनकी क्वालिफिकेशन क्या हो, क्योंकि मेन एप्लीकेंट मिसिज होंगी. एप्लीकेंट जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मिसिज के लगेंगे, आईएलटीएस या कोई भी लैंग्वेज कोर्स वो मिसिज का लगेगा. जो हस्बैंड हैं उनकी कोई चीज़ भी नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, कोई आईएलटीएस नहीं, कोई कुछ नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी एजुकेशन वो अपनी मिसिज से अटैच होकर जा सकते. क्या बात है, ये बड़े अच्छा. डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं और हमने उनको हैंडल भी किया, हमने उनको कंप्लीट भी किया, कंप्लीशन की तरफ लेकर भी गए और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा रिस्पांस हमें उन फैमिली की तरफ से भी आया है जो हमने उनको लीगल कंसल्टेंसी की सर्विस प्रोवाइड की है. सर, वर्क वीजे के लिए कौन से मुल्क की कंसल्टेंसी जो है वो? चलिए हम वर्क वीजा की बात करते हैं. देखिए वर्क वीजा, इसको फिर वर्क परमिट का भी हम नाम देते हैं. बहुत सारे लोग जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं होती, जो अंडर मैट्रिक होते हैं, मैट्रिक होते हैं, यहाँ से वो स्टडी से ऑलरेडी भाग चुके हैं. अच्छा. क्योंकि देखिए जो पढ़ना कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा. तो वो लोग जो ऐसे होते हैं जिन्हें जबरदस्ती पढ़ाया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है, वो फिर एक दो सप्ली लेकर बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं जी हमसे तो नहीं पढ़ा जाता. तो फिर ये वो लोग होते हैं जो मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकते अपनी स्टडी को, तो वो जॉब के लिए भी फिर अप्लाई करते. देखिए अब एक बंदा है उसने मैट्रिक किया है,
तो उसके लिए फिर जॉब लेना, या तो वो एक लेबर का काम कर सकता है, यहाँ रहकर कंस्ट्रक्शन में वो काम करेगा, जो कि एक बहुत टफ हम उसको कहते हैं, ठीक है। अब एक कोई अच्छी जॉब तो उसको अवेल हो नहीं सकती, उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है इतनी, ठीक है। तो वो फिर ये लोग क्या करते हैं कि चले हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं, चले थोड़ी मेहनत ज्यादा सी लेकिन खास अर्निंग के लिए वो मूव करना चाहते हैं। तो उनके लिए वर्क वीजा होता है, ठीक है। तो वर्क वीजा फिर डिफरेंट कंट्रीज का होता है। अब अगर कोई थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, जैसे कि इंटरमीडिएट है, तो यूके की फैसिलिटी हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह फिर शेंजन जोन में आता है, जिसमें 26 कंट्री आते हैं, जिसमें पोलैंड, माल्टा, लिथुआनिया ये चल रहा है, और एक अच्छी रेशो के साथ चल रहा है, हंगरी चल रहा है इसमें। और अगर लोअर यूरोप की बात करें, ईस्ट यूरोप की बात करें, तो इसमें रोमानिया आता है, ठीक है, अल्बानिया है, बल्गारिया है, क्रोशिया है। तो ये वो कंट्री हैं जो कि ईस्ट यूरोप या फिर लोअर यूरोप का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़े से मैं एक और ऐड कर देता हूँ कि ईस्ट यूरोप और लोअर यूरोप इसको हम क्यों और शेंजन में क्या फर्क होता है, ठीक है। देखिए, शेंजन कंट्री उसको हम कहते हैं, ये एक जोन है, समझ लेके 26 कंट्रीज को मिलाकर उन्होंने एक जोन बना दिया कि ये शेंजन है। इसका मतलब होता है, अगर कोई बंदा शेंजन जोन का वीजा रखता है, शेंजन जोन का वीजा अवेल करता है, चाहे वो स्टडी हो, चाहे विजिट हो, चाहे वर्क हो, तो उस जोन के अंदर जो कि 26 कंट्री आते हैं, उस जोन, उस बाउंड्री के अंदर 26 कंट्री में कहीं पर भी ट्रेवल कर सकता है उस एक वीजा की बेस पर, ठीक है। उसको नेक्स्ट कंट्री में जाने के लिए किसी दूसरा वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर लोअर यूरोप में होता है, तो फिर लोअर यूरोप से शेंजन जोन में जाने के लिए उसको अगेन वीजा लेना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा वर्क वीजा की जो शराइत है जी, वो क्या है? देखिए, वो मैंने पहले थोड़ी सी आपको जैसे बताई है कि एक तो बंदे की, क्लाइंट की क्वालिफिकेशन कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए कम से कम, और कुछ नहीं, मैट्रिक तो होनी चाहिए, ताकि वो कुछ हेलो है, यस नो कर सके। जी जी। अब देखें, हम यहाँ पर उर्दू बोल रहे हैं, बड़ी इजीली बोल रहे हैं, अगर एक बंदे की क्वालिफिकेशन नहीं भी है, उर्दू तो बोल सकता है वो, पंजाबी तो बोल सकता है ना, बोल सकता है, तो क्योंकि उसने सीखा जी, वो कर सकता है। अब अगर वो अब्रॉड जाता है किसी यूरोप में, शेंजन में, तो वहां पर उर्दू और पंजाबी तो नहीं चलेगी ना, नहीं चलेगी, कभी भी नहीं चलेगी। और सेकंड, जो एम्बेसी है, उसने भी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, उसने भी इंटरव्यू लेना है, उसने भी जज करना है कि बंदा क्या चीज है, बंदा बोल भी सकता है कुछ, बंदे से बात भी कर सके वहां जाके कि नहीं, बिल्कुल, ये चीजें मस्ट होती है ना। जी जी। तो पहले इस चीज को भी देखा जाता है कि क्या बंदा, चले इट्स ओके, क्वालिफिकेशन नहीं है, अंडर मैट्रिक है, मैट्रिक है, लेकिन पहले उसको जज करते हैं, क्या वो इंग्लिश में कुछ हेलो है, यस नो कर सकता है। अब उससे पूछा जाता है, जी हेलो मिस्टर, हाउ आर यू, उसको नहीं पता, उसको पता ही नहीं है, वो देखता रहेगा कि मैंने कहना क्या, वहां जाकर क्या करेगा। तो फिर इस तरह फिर वो थोड़ा सा ना हमारे लिए मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, बहुत एग्जैक्टली उसके लिए मुश्किल हो जाती है। तो क्योंकि देखिए, वहां पर जाकर जब उसने काम करना है, वर्क करना है, तो कुछ ना कुछ तो उसको एम्प्लॉयर के साथ, दूसरे लोगों के साथ टच में रहकर कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और सर, ये कितना टाइम लग जाता है? देखिए, इसमें टाइम जो ज़्यादा हम नहीं कह सकते, लेकिन जब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, सपोज हम कहते हैं कि वर्क वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वर्क परमिट होता है, स्पॉन्सर्ड होता है, कंपनी से होता है, वो फिर इमिग्रेशन एम्बेसी उसको वेरीफाई करती है, वेरिफिकेशन के बाद फिर एम्बेसी की अपॉइंटमेंट होती है। तो इसमें कह लें कि टोटल जो टाइम पीरियड होता है वो 90 वर्किंग डेज का लग जाते हैं, 90 वर्किंग डेज लग जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इंसान का, एक क्लाइंट का जो है वो काम अल्हम्दुलिल्लाह हुआ भी है 100% और हो भी रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और यूके का जो विजिट वीजा है या जो स्टडी वीजा है, इसको आप वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा सकते हैं? देखें, अभी जो बहुत अच्छी रिश्व चल रही है ना, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो शायद आपको पता हो कि अक्टूबर नवंबर में ये T20 वर्ल्ड कप का मैच भी होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल। तो ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीजा तो बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी रिश्व बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। और अगर यूके की बात करें, तो वो भी हर एक का डेफिनेटली एक अपना क्राइटेरिया होता है कंट्री का, कि क्या वो उसकी रिस्ट्रिक्शन है कुछ। अगर वो क्राइटेरिया कंप्लीट कर सकता है क्लाइंट, जैसा कि उसकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी खासी होनी चाहिए, उसका ट्रैवल हिस्ट्री होना चाहिए क्लाइंट का, उसका NTN बिजनेस का रजिस्टर होना चाहिए, तो ये कुछ क्राइटेरियाज होती है इनके। अगर एक बंदा इस क्राइटेरिया को कंप्लीट कर सकता है, तो विजिट वीजा तो एक ईजीली फैसिलिटेट हो सकता है बंदे को। लेकिन दूसरी बात रही कि क्या विजिट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट करवाया जा सकता है, तो विजिट वीजा जो होता है ना, वो वर्क वीजा में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो यूके है। हाँ,
ये होता है कि हमारी बहुत अच्छी प्रोडक्ट चल रही है जिसको हम अभी लेकर आए, कि अगर यूके का किसी स्टूडेंट के पास स्टडी वीज़ा है, हाँ मैं अगेन अपने क्लाइंट्स को कहना चाहूँगा वो इस बात को गौर से सुने, अगर मैं अपने सामीन को कहता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट जो कि यूके में स्टडी वीज़ा पर ऑलरेडी है, वैलिड स्टडी वीज़ा है, ठीक है, चाहे उसको अभी गए हुए 2 महीने हुए हैं, 3 महीने में, या उसका स्टडी वीज़ा एक्सपायर होने में मिनिमम 2 मंथ बाकी हैं, ठीक है, तो वो अपना स्टडी वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकता है। क्या बात है। ये मैं कहता हूँ कि सरगोधा में सिर्फ इलाही इंटरनेशनल है जिन्होंने ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना शुरू किया है, ठीक है, सिर्फ इलाही इंटरनेशनल, इसके अलावा सरगोधा में कोई भी कंसल्टेंट ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है, हम इसकी फैसिलिटी देते हैं क्योंकि हमारा, अब मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ कि ये फैसिलिटी इलाही इंटरनेशनल कैसे दे रहा है, कैसे दे रहा है, मतलब पाकिस्तान में रहकर वो यूके में फैसिलिटी कैसे दे रहा है, तो इसका मैं खुद ही इसका आंसर कर देता हूँ कि इलाही इंटरनेशनल का अपना एक ऑफिस है जो कि यूके में है, ठीक है, तो यूके में ऑफिस हमारा होने की वजह से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है, तो जो यूके के क्लाइंट्स हैं जो वहां पर स्टडी वीजा पर हैं, चाहे वो पीएसडब्ल्यू पर हैं, ठीक है, कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो वहां से हम इनको अपने उस ऑफिस के थ्रू इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, यही क्वेश्चन मैं आपसे करने वाला था और जो कि आपने खुद ही बता दिया है, क्या बात है, आप क्वेश्चन अगेन कर लें, शायद इसमें कुछ और निकला, क्या बात है। अच्छा, विजिट वीजा जो है किस किस मुल्क का आप देते हैं? विजिट वीजा अभी जैसे मैंने पहले अर्ज की है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा चल रहा है, रेशो बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, हर जो है वो दूसरा तीसरा पर्सन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए मूव करना चाहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छी रेशो चल रही है, इसकी प्रोवाइड कर रहे हैं हम, इसके अलावा यूके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अमेरिका अगर आपको आइडिया हो तो अमेरिका जो है वो 5 ईयर्स मल्टीपल विजिट वीज़ा देता है, 5 ईयर्स का 5 साल का मल्टीपल विजिट वीज़ा देता है, तो उसकी एक सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, इस तरह भी कनाडा है और शेंजन में पूरे यूरोप की हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, टर्की बहुत अच्छा चल रहा है इस वक्त, उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सर, इलाही इंटरनेशनल अकेला काम करता है या कंसल्टेंट को विसा लेकर चलता है? देखिए, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है, हम खुद जो है वो डिफरेंट कंसल्टेंट, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं खुद डिफरेंट कंसल्टेंट के साथ जाकर मिलता हूँ, ठीक है, यहाँ तक कि सरगोधा में जो कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, चाहे वो सिर्फ स्टडी वीज़ा की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो विजिट की प्रोवाइड कर रहे हैं, व्हाट्सएवर, ठीक है, जितने भी कंसल्टेंट सरगोधा में हैं, मैं खुद उनको दिन में और कुछ नहीं 3-4 कंसल्टेंट को मैं खुद जाकर मिलता हूँ। ये तो बहुत एक्चुअली मैंने यस्टरडे मैं कुछ से मिला हूँ और आज भी मैंने जाना था मिलने के लिए, बट वो मैं चले इसको फिर पोस्टपोन करते हैं, टुमारो पे रख लेते हैं, तो डिफरेंट कंसल्टेंट को मैं खुद जाकर मिलता हूँ, और सिर्फ सरगोधा के ही नहीं, सरगोधा के सराउंडिंग में, डिस्ट्रिक्ट सरगोधा में जैसा कि खुशाब, जोरहाबाद, भलवाल, बेरा है, मंडी बावलदीन है, जेहलम है, यहाँ तक के मीरपुर तक भी, आज़ाद कश्मीर तक कंसल्टेंट से हम कांटेक्ट में रहते हैं, उनको फिजिकली जाकर मिलते हैं, उनको अपने ऑफिस इनवाइट करते हैं, तो एक उनके साथ अच्छी गपशप करके साथ हम उनके साथ एक कोलैबोरेशन के साथ हम काम करने को हम तरजीह देते हैं इसमें, ताकि दोनों मिलकर हम काम करें। अच्छा, इलाही इंटरनेशनल का जो ऑफिस है वो सरगोधा में किस जगह पर है? ये सरगोधा में स्टेडियम रोड पर है, शमा चौक के पास, ऑफिस नंबर 112 है, 112। तो चले, वो जो आपका क्वेश्चन था कि क्या इलाही का कोई और भी ऑफिस है या सिर्फ ये, जो क्या कोई माइंड में आ रहा था, मैं आपके इंप्रेशन देखकर जज कर लिया कि आप क्या क्वेश्चन करना चाहते हो इसे, जो आप पहले कह रहे थे ना कि मैं ये पूछने वाला था, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इलाही इंटरनेशनल का सिर्फ एक ऑफिस नहीं है, ठीक है, हाँ, हेड ऑफिस का सरगोधा में है, ठीक है, इसके अलावा इसके 4 ऑफिस और हैं, जिसमें माल्टा में ऑफिस है, एक माल्टा में जी, और यूके में है जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है, यूके में ऑफिस है, और यूए में हम अपना एक ऑफिस सेटअप कर चुके हैं, ठीक है, ये प्रीवियस 10 डेज में, जो पिछले 10 डेज गुजर चुके हैं, इसमें यूएई में, दुबई में हम अपना एक ऑफिस सेटअप कर चुके हैं, ठीक है, बस इंशाल्लाह हम उसको इसी मंथ के लास्ट तक उसको स्टार्ट कर रहे हैं, उसको रनिंग में लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम मैन पावर प्रोवाइड करेंगे, और इसके अलावा फिर पोलैंड में, शेंजन में हम एक अपना ऑफिस सेटअप कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी ही सेटअप हो जाएगा, इस तरह डिफरेंट ऑफिसेज हैं हमारे, तो इस डिफरेंट ऑफिसेज के थ्रू हम अपना डिफरेंट काम करते हैं। अभी हम लिसनर्स को एक गाना सुनाते हैं, फिर आज की बातें करते हैं, सुनते रहिए बाज़ एफएम। Thank you.
अच्छे दिन मेरे बचपन के दिन, कितने अच्छे दिन आज बैठ बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठ बिठाए क्यों याद आ गए, मेरे पिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरे पिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी भूल ना दे कोई, जनाब टाइम बहुत कम और मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। और इखलाक साहब आप भी अपने बचपन को मिस करते हैं कि नहीं? बहुत ज़्यादा। देखें ये बचपन की यादें जो होती है ये जब भी बंदा फ्री बैठा होता है, पहली बात है कि बंदा फ्री होता नहीं है, होता नहीं है लेकिन अगर बंदा जब फ्री बैठा होता है तो डेफिनेटली अपने बचपन को याद करता है। तो ये एक गोल्डन डेज होते हैं जो बचपन के होते हैं। आज भी जब हम बच्चों को देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं वो खेल रहे, तो हमें भी अपना बचपन याद आता है कि कभी हम भी ऐसे ही खेल कूद में थे। पिछले दिनों में इखलाक साहब अपने स्कूल में गया, एक मीटिंग थी, वहाँ पर मुझे मेरे टीचर्स ने बुलाया। तो जिस रूम में मेरे टीचर मौजूद थे और मुझे बुलाया गया, उस रूम में यकीन मानिए जब एक और बच्चे को देखा तो मुझे वो अपनी सीट जो है वो याद आई, और मुझे वो एक मेमोरी जो थी जो मैंने एक वहाँ से स्टडी हासिल की, और जो जो बैच फेलोज थे मेरे साथ वो मुझे बिल्कुल रिमाइंड में था, याद आ रहा था कि यार बचपन जो था वो कितना अच्छा था। जब भी मैं अपने गांव जाता हूँ ना, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने स्कूल और अपने कॉलेज को एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करूँ। वही बात है आपकी कि वो सारी चीज़ें एक बार ना रिमाइंड होती हैं कि हम भी कभी यूं थे, ठीक है, हम भी कभी, हम भी, तो वो बड़ा अच्छा शेर याद है, हम भी कभी तुम भी, वो क्या बोलते हैं, आशना थे तुम्हें याद हो ना याद हो, क्या बात है, कभी हम भी तुम भी थे आशना तुम्हें याद हो या ना याद हो। बाकियों का तो नहीं पता कि जो बाकी हमारे दोस्त है क्लास फेलो, उनको याद हो या ना, पर हमें जरूर याद है। इसका मतलब है आपको शायरी से भी बहुत ज्यादा लगाव है, तो शायरी के हवाले से भी एक प्रोग्राम होना चाहिए। चले चले नेक्स्ट जरूर हम इस तरह एक प्रोग्राम रखेंगे, ठीक है। अच्छा सर, अभी हम आपसे पूछना चाहिए कि पूछना चाहते हैं कि हॉट प्रोडक्ट जो है बुलाया इंटरनेशनल की कौन कौन से चल रहे हैं? देखें अभी जो हम अभी जो हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है उसमें हमारे पास तीन ऐसी प्रोडक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा समझ लें कि हॉट प्रोडक्ट हैं जिसको हम लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले जो मैंने पहले ऑलरेडी एक अर्ज कर चुका हूँ, बता चुका हूँ अपने सामीन को कि वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी स्टडी वीज़ा पर यूके में हैं, ठीक है, अब देखें मेन चीज़ क्या होती है कि स्टूडेंट कहते हैं जी मैंने अब्रॉड जाना है, मैंने यूके जाना है, मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, ठीक है, जब और कोई रास्ता नहीं मिलता तो फिर वो स्टडी वीज़ा की तरफ आते हैं, स्टडी की बेस पर वो अब्रॉड चले जाते हैं। अब उनका मेन मकसद क्या होता है? स्टडी करना नहीं, वो तो यहाँ पर भी हो जाती है ना, बिल्कुल, लेकिन उनका मेन मकसद होता है वहाँ जाना, वहाँ सेटलमेंट करना, वहाँ रहना, वहाँ पीआर एंड सो ऑन उसको प्रोसीड करना। तो वो स्टूडेंट जो यहाँ से स्टडी वीज़ा पर जाते हैं खासकर यूके में, और वो उनका स्टडी वीज़ा वैलिड है और वो अपना स्टडी वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उनको। और ये वीज़ा जो होता है वर्क वीज़ा, ये 3 साल के लिए वैलिड होता है, एक्सटेंडेबल होता है, तो उनका फिर जो स्टडी वीज़ा का स्टेटस है वो ख़त्म हो जाता है और वो वर्क वीज़ा पर रहते हैं, तो फिर वो फुल टाइम वर्क करने के अलावा होते हैं, एक अच्छा सैलरी पैकेज होता है, डिफरेंट कैटेगरीज होती है, डिपेंड करता है क्लाइंट की प्रोफाइल पर। तो एक तो ये हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूसरे अगर कोई पाकिस्तान में ऑलरेडी है, मतलब इसको कहते हैं फ्रॉम आउटसाइड ऑफ यूके,
जरूरी नहीं कि वो पाकिस्तान में, वो इंडिया में हो सकता है, बांग्लादेश में, किसी भी दूसरे कंट्री में, लेकिन यूके में ना हो। अगर वो वर्क वीजा की फैसिलिटी लेना चाहता है यूके की, तो हम वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और जो सेकंड हमारी प्रोडक्ट है, वो जो भी हॉट सीरीज में चल रही है, वो ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीजा, जैसे कि मैंने पहले कहा कि वर्ल्ड कप जो हो रहा है वो एक बहुत अच्छी रेशियो में चल रहा है। ठीक है। तो एक सेकंड हमारी वो प्रोडक्ट है। और थर्ड जो मैं जो भी बताने के लिए जा रहा हूँ, ये मेरे उन भाइयों के लिए है जिनके दोस्त अहबाब, जिनके भाई यूए में, गल्फ में रह रहे हैं, गल्फ में खास तौर पर बात करते हैं यूए की, दुबई में ऑलरेडी रह रहे हैं। ठीक है। और वो वहां पर रेजिडेंस कार्ड पर है, मिनिमम उनको 8 मंथ हो चुके हैं। मैं इसको रिपीट करता हूँ। ठीक है। ये जो मैं अभी तीसरी बात करने के लिए जा रहा हूँ, ये हमारे उन भाइयों के लिए है जिनके दोस्त, जिनके भाई, या जो खुद यूएई में यानी के दुबई में रह रहे हैं। ठीक है। और वो रेजिडेंस कार्ड पर हैं जिनका मिनिमम 8 मंथ पुराना हो। ठीक है। मतलब उनको 8 महीने हो चुके हो वर्क वीजा पर दुबई में, ये उनके लिए है। अगर वो वहां से, दुबई से यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप में सेटलमेंट लेना चाहते हैं, यूरोप में रेजिडेंस लेना चाहते हैं, पीआर लेना चाहते हैं, वर्क वीजा लेना चाहते हैं, तो उनको फैसिलिटी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इलाही इंटरनेशनल अपना ऑफिस सेटअप कर चुका है यूएई में, जस्ट उसको हम इस मंथ के लास्ट में, इस मंथ के मिड में उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनकी भी हम फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जा रहे हैं कि वो यूएई से यूरोप के लिए कैसे मूव कर सकते हैं, कैसे वर्क वीजा हासिल कर सकते हैं, उसकी भी लीगल कंसल्टेंसी की सर्विस हम प्रोवाइड करने के लिए जा रहे हैं। ये हमारी वो 3 प्रोडक्ट्स हैं जो हमने अभी स्टार्ट किया और इंशाल्लाह ये लॉन्ग टर्म तक चलेंगे जी। और शो के आखिरी लम्हात हैं और यकीनन आपने इंजॉय किया होगा बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा जी। तो आपका स्टाफ आपको जरूर सुन रहा होगा ऐसा हो नहीं सकता जी, बिल्कुल डेफिनेटली मेरा स्टाफ और हमारे जो सीओ साहब हैं डेफिनेटली वो हमें सुन रहे हैं। एक कॉलर भी है, इनसे हम बात कर लेते हैं और मैं कॉल्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। ठीक ठाक, अपनी हैंड फ्री उतार दीजिए काइंडली। आवाज आ रही है जी? जी जी आवाज आ रही है। बात कर रहा हूँ जी। कौन बात कर रहे हैं? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, वो ना मैं ये पूछ रहा था कि जो ये आपके कंसल्टेंट हैं, ये इलाही इंटरनेशनल वाले जी, जी जी, तो इनसे मिलना चाह रहे थे। हमारे को उधर गए हुए वीजे पे ना, स्टडी वीजे पे ना, तो वो भी चेंज गए, मतलब अभी उनसे 3 महीने रहे थे वो, अभी उनका पता नहीं चल रहा था कि मैं वापस आऊँ क्या करवाऊंगे ना वीजा का ना। तो इनका क्या नाम है जो आपके हैं? मैं मान ली जी, इखलाक साहब। इखलाक साहब जी जी। तो इखलाक साहब से मिलना पर्सनली तो कहाँ मिल सकते हैं जी? जी फैज साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। फैज साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं सरगोधा से बात कर रहा हूँ, रजा गार्डन से। रजा गार्डन से। फैज साहब आप मेरे ऑफिस किसी भी दिन आप चक्कर लगा सकते हैं, बगैर संडे के, क्योंकि संडे को हमारा ऑफ होता है। अच्छा अच्छा जी। सो हमारा ऑफिस सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है और ये स्टेडियम रोड पर है, ऑफिस नंबर 112। अच्छा जी। अगर आपने देखा हो शमा चौक से जैसे ही स्टेडियम रोड पर एंटर होते हैं, बिल्कुल देखा हुआ है, आपके लेफ्ट हैंड पर आता है बोर्ड लगा हुआ बार इंटरनेशनल, इलाही इंटरनेशनल। तो आपका नाम इखलाक साहब है? जी जी इखलाक बात कर रहा हूं। जी जी इखलाक, इखलाक। अच्छा तो इंशाल्लाह मैं मिलूंगा आपके इस सिलसिले में बात करने के लिए इंशाल्लाह, करना जी। जी ना, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो इनके जो आपके हैं मेहमान, जो इनका शुक्रिया अदा कीजिए, जो एफएम बहुत अच्छा सुन रहा था मैं, मजा आया माशाल्लाह, बहुत भी शुक्रिया अदा कीजिएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं आप? मैं इधर हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल है आंखों वाला जी। अच्छा 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 अच्छा, वहाँ पर जॉब कर। हाँ, उधर ड्यूटी होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तो हम बात कर रहे थे कि यकीनन आपका जो स्टाफ है वो आपको जरूर सुन रहा होगा। जी बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं अपने स्टाफ को एक तो थैंक यू बोलना चाहूँगा और सेकंड उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो एक, क्योंकि मेरा जो एक्चुअली में स्टाफ है ना वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, हम मिलकर इस तरह काम करते हैं जैसे कि वी आर फैमिली।
फैमिली मेंबर के तौर पर हम काम करते हैं, जिसमें बिल्कुल मैं नाम उनके मेंशन करूंगा, हमारे आबद साहब हैं, ही इज मोस्ट सीनियर वन, ठीक है, इज मोस्ट कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे। फिर हमारे तलहा साहब हैं, तलहा साहब इज अ गुड बॉय, वो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। उसके बाद हमारे इमरान साहब हैं जो अभी न्यू जिन्होंने ज्वाइनिंग की है, हमजा अब्बास साहब हैं, हमजा अब्बासी साहब इज अ गुड बॉय। तो हमारा एक्चुअल में जो जितना भी मेरा स्टाफ है वो वेल क्वालिफाइड है। अब जो हमजा साहब हैं वो खुद एक उन्होंने LLB किया हुआ है, खुद एक एडवोकेट हैं, इस तरह जो इमरान साहब हैं वो उन्होंने MSc IT किया हुआ है, ज़बरदस्त। तो इस तरह फिर हमारे जो PT और IELTS करवाते हैं टीचर हैं हमारे, मिस्टर आसिम इज वेल क्वालिफाइड, क्या बात है, एजेड है लेकिन जिसको बोलते ना जिंदा दिल शख्स, वो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड है। जिंदा दिल शख्स होते हैं ना बहुत कम होते हैं, वो माशाल्लाह एक जिंदा दिल इंसान है, उनका वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है क्योंकि वो ऑलरेडी दुबई में जो है ना वो टीचिंग कर चुके हैं इसी IELTS और PT के बारे में, 15 साल उन्होंने वहां पर टीचिंग की, फिर यहाँ पर जी एक प्राइवेट कॉलेज में काम किया और देन वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसमें भी हमारा जो स्टाफ है वो वेल क्वालिफाइड है, अपनी अपने फील्ड में हर बंदा क्वालिफाइड है, ठीक है। तो इसलिए जो भी हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं वो एक अच्छे तरीके से प्रोवाइड करते हैं। आखिरी लम्हात में हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अपने सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने कीमती वक्त में थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकाला ताकि वो हमें सुन सकें। और मजीद हमारे जो सुनने वाले हैं अगर उनको इस जो कि हम ये हमारा ये प्रोग्राम था जिस पर हम डिस्कस कर चुके थे, अगर इससे रेलिवेंट उनको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी अपना वो मैटर डिस्कस करना चाहते हों, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, हमें मिल सकते हैं हमारे ऑफिस में। संडे को हमारा ऑफ होता है, बाकी 6 डेज मंडे से सैटरडे सुबह 10 से शाम 6 बजे तक हमारा ऑफिस होता है, मैं ऑफिस में मौजूद होता हूँ, आबिद साहब होते हैं, वो हमें किसी भी वक्त इस टाइम में आकर मिल सकते हैं, हमसे लीगल कंसल्टेंसी ले सकते हैं वो। और अगर कोई देखिए हर एक बंदे की अलग अलग क्यूरीज है, अगर कोई फ़ोन पे बात करना चाहे तो वो बिल्कुल हमें फ़ोन कॉल पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो बाकी अगर कोई अगर कॉलर है हमारे साथ इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मुश्ताक बात कर रहे हैं से। जी मुश्ताक साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? चलिए सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम काम करने को, बिलाल भाई आपके मेहमान को वेलकम कहते हैं। जी जी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 20 साल पहले मैंने मास्टर किया था। जी जी, पंजाबी में, ठीक है, तो मैं जा सकता हूँ पंजाबी में? आपका दफ्तर कहाँ पे? जी अपना नाम बताइएगा जरा। मुश्ताक इशफाक साहब। इशफाक साहब, आपने मास्टर पंजाबी में किस ईयर में किया था? जी पंजाबी में। किस किस सन में किया था, किस साल किया था आपने? बीस साल पहले। इशफाक साहब, पहले तो मैं बात करूंगा कि 20 साल एक तो बहुत ज्यादा गैप है, ठीक है, हाँ, लेकिन ये है कि हम सर आपको मिलना चाहें तो कहाँ पे? जनाब हमारा ऑफिस है स्टेडियम रोड पे, शमा चौक से जैसे आप स्टेडियम रोड पे जाते हैं तो आपके लेफ्ट साइड पे बाहर बोर्ड लगा हुआ है, आप यूँ कह लें कि बाजवा ट्रामा हॉस्पिटल और शमा चौक के दरमियान में हमारा ऑफिस है, तो आप हमें विजिट कर सकते हैं किसी भी टाइम सिवाय संडे के। अब आपकी प्रोफाइल को देखते हुए हम इंशाल्लाह आपको एक अच्छा मशवरा देंगे और जो भी जिसके भी आप कैपेबल होते हैं हम उसी की तरफ आपको लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक, बहुत शुक्रिया जी मुश्ताक राव, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सर लास्ट में जो मैसेज है, तो मैं अपने सुनने वालों को ये कह रहा था कि बिल्कुल वो मैं ऑफिस विजिट कर रहे हैं हमारा, अपनी जो भी क्यूरीज हैं उनके साथ, जैसा कि अभी ये भाई साहब ने मुश्ताक साहब ने कहा कि उनका 20 साल पहले का है मास्टर, तो अगर किसी की भी इस तरह से क्यूरी है चाहे वो स्टडी वीज़ा के हवाले से, विजिट वीज़ा के, वर्क वीज़ा, वर्ड से वर, तो हमें विजिट करें। अगर कोई दूर से है जैसा कि पिंडी पटिया से है, भलवाल से है, कलर कार से, जो हमें सुन रहे हैं, ठीक है, जो हमें ऑफिस विजिट नहीं कर सकते, वो हमें फ़ोन कॉल पे ले लें, ठीक है, वो हमें कॉल करके अपनी जो है वो असेसमेंट करवा सकते हैं हमसे, ठीक है, तो उनके क्वालिफिकेशन, उनकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह उनको एक अच्छा मशवरा देंगे।
چلیں بہت شکریہ سر آپ نے خصوصی ٹائم نکالا الہی انٹرنیشنل آپ کا بہت بہت شکریہ سر آپ کا شکریہ آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں سنا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اب اجازت دیجیے گا اور نصرت فتح علی خان صاحب کی آواز کے ساتھ ہم آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اخلاق صاحب اور میں ایک نعرے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے پاکستان زندہ باد زندہ باد اللہ نگہبان قسم خدا دی تو بڑا سن لگدا